आप लोगों ने कोई फिश देखा है ना, कोई फिश, कोई कार्प, क्या ब्यूटीफुल होता है बस उसका मूवमेंट, उसका फिन्स, कलर, ब्यूटी, एक बहुत ही मेजेस्टिक मूवमेंट है। हम लोग घर में लेके आते हैं अपने रीजंस के लिए, कुछ लोग वास्तु के हिसाब से, कुछ लोग ब्यूटी के हिसाब से, कुछ लोग ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग स्ट्रेस कम करने के लिए, वगैरह वगैरह। बट जब वो बीमार पड़ जाते हैं बहुत तकलीफ होता है, यू फील बैड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सिकनेस जो गोल्डफिश में, कार्प में या कोई कार्प में, ब्लैक मोर या ब्लैक कलर का गोल्डफिश में, वो सब में आता है, एंड उसका क्योर, सिंपल मेथड्स, और आप क्या कर सकते हो इजीली घर में, ये मैं समझाऊंगा। अब मैंने गोल्डफिश और कोई कार्प साथ में क्यों लिया? सिंपल, गोल्डफिश मैनमेड एंड कोई कार्प उसका ओरिजिन है। कोई कार्प से गोल्डफिश बनाया गया है बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग, बहुत साल पहले चाइना में बनाया गया था। गोल्डफिश तो गोल्डफिश, कोई कार्प जो है इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो चाइना से आया जापान में। जापान में उसको इतना ब्यूटीफुल बनाया। जापानीज लोग ना बहुत टैलेंटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, बहुत पैशनेट रहते हैं। तो कुछ 200 अलग अलग वेराइटीज है, ओके, जो हमें इंडिया में मिलता है बहुत कम है, 4-5 वेराइटी, ठीक है, एक कलर वाला, मार्बल, मिरर या बटरफ्लाई, ऐसे 4-5 वेराइटी है। बट अगर आप जापान में देखो तो कुछ 200-300 अलग अलग वेराइटी है, एंड ब्यूटिफुल कलर्स, ब्यूटिफुल शेप्स, एंड सम ऑफ द बिगेस्ट फिश 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट लंबा, अमेजिंग। एंड गोल्डफिश का भी ऐसा ही है, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वेराइटीज, अमेजिंग, मस्त। नाउ इनमें एक बहुत ही सीरियस सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस। हम सब में भी है थोड़ा बहुत, बट वो आलसीपना है, स्लीपिंग सिकनेस नहीं, ओके। इनमें एक्चुअली स्लीपिंग सिकनेस होता है, एंड आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि ये आप कैसे जाने कि ये सिकनेस है, फर्स्ट एड क्या होगा, ओके, एंड क्योर क्या होना चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता है क्योर, ये भी जानेंगे, बट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन। बट ऑब्जर्वेशन से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ऑब्जर्वेशन तब आता है जब आपके टैंक में फिश हो। नाउ कार्प जो है वो एक्वेरियम फिश नहीं है, एक्वेरियम फिश नहीं है, एक्चुअली पॉन्ड के लिए फिश है, बड़े लेग्स के लिए फिश है। ये एक्वेरियम के अंदर कब आया मुझे भी नहीं मालूम, हां बहुत सुंदर है तो एक्वेरियम में डाला। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, एक 6 इंच का कार्प फिश के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 फुट लंबाई चाहिए मूवमेंट के लिए, और आप एक फिश थोड़ी ना लाओगे। आप अगर एक 6 फिश लेके आते हो तो 3 × 6, सिंपल कैलकुलेशन, एटलीस्ट एक 6-8 फुट का तो टैंक चाहिए, 18 फुट तो बना नहीं सकते, और चौड़ाई 2 से 3 फुट चाहिए, तब जाके वो आराम से रह सकते, हैप्पी रह सकते और अच्छा बढ़ सकते। हमारे घरों में 2-3 फुट का टैंक में 12-12 फिश डालते हैं। एक और प्रॉब्लम, जहां पे हम दुकान से लेके आते हैं 4 फुट का टैंक में 100 फिश रहता है। ऐसा नहीं कि दुकान वाले पानी साफ नहीं करते, वो करते हैं, डेली वाटर चेंज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उतना फिश बायोलोड बढ़ गया, ओके, खाना भी खिला रहे एंड अजीब अजीब मेडिसिन भी डाल रहे हैं, तो पैरासाइट होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये सिकनेस वहां से शुरू होता है और आपके घर में आता है। सो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है आपके घर में,
फिश बाकी फिश से सेपरेट हो रहा है, जो सिक फिश है या बीमार मछली है बाकी फिश से सेपरेट रहता है, ठीक है। उसके बॉडी पे स्वेलिंग या लीजियंस आते हैं या घाव जैसे आते हैं, ओके। एंड ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है, बट इसके बाद और भी डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे पॉप आई, क्लाउडी आई, ओके, गिल्स पेल हो जाना, फिन्स कट जाना, ओके, ये सब इशू है। उल्टा स्विम करना या कोने में जाके उल्टा बैठ जाना, ये सब स्लीपिंग सिकनेस के वजह से है। नाउ स्लीपिंग सिकनेस जो है इसको कार्प एडिमा वायरस बुलाते हैं। नाउ वायरस से हम लोग सब वाकिफ है, कोरोना जिंदाबाद, वायरस से सब वाकिफ है। अभी इतने 2-3 साल कोरोना होने के बाद हम ये समझे हैं कि कोरोना वायरस गले में आके फिट होता है वायरस, इसलिए हमको नाक और मुंह ढकना है, और वहां से शुरू होके दूसरे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये भी वायरस है, एंड इस वायरस के वजह से दूसरे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। ये वायरस आता कहां से है या आया कहां से? नाउ इसका कोई ओरिजिन किसी को पता नहीं, बट सबसे ज्यादा मछली वर्ल्ड में जापान से ही निकला है। सो जापान से निकला होगा, किधर 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 एक सिक मछली, बाकी मछली भी सिक हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इंसान के लिए हमने क्वारंटाइन किया, 2-2 महीने घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम, मछली को कौन सो पूछता है भाई? कोई नहीं पूछता, कोई सोचता भी नहीं है यार। तो ये हमें पता नहीं कि अगर शॉप में ही वो वायरस हमारे घर में आ रहा है। सो अगर आप कोई फिश रखते हो तो खरीदने के टाइम से आपको ध्यान देना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल क्योर क्या है जाने से पहले ये बात समझो, जरूरी है कि खरीदते टाइम मूवमेंट अच्छा हो, बॉडी पे लीजन्स ना हो, कट ना हो, फिन्स कट ना हो, पानी साफ है एक्वेरियम की दुकान में, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो ओवर फीड नहीं कर रहे हैं या कचरा खाना नहीं खिला रहे, अच्छा खाना खिला रहे। एंड ऑफकोर्स आईज स्वोलन ना हो, ठीक है, बॉडी पे शाइन हो, फिन्स पूरे हो, ये सब जरूरी बातें हैं, ऑब्जर्वेशन के बातें हैं, आपको ध्यान दे के लेना पड़ेगा। नाउ आपके घर में लेके आके ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट रीजन आपका पानी गंदा है, प्लीज पानी साफ रखो। पहले फर्स्ट इश्यू, आप पानी अगर साफ रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही एक रोक लगेगा, कोई भी वायरस हो बैक्टीरिया हो वो उतना जल्दी पनपेगा नहीं, ग्रो नहीं होगा आपके पानी में, राइट, राइट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ छोटे से एक्वेरियम में आपने 4-5 कोई कार्प रखा तो खाना भी ज्यादा, बिकॉज वो खाते ज्यादा है, और आप कोई यू नो कोई भी पैलेट खिला रहे हो, ओके, पैलेट्स में क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और जो कोई भी चीज अगर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको भी मालूम है क्या होता है उसके बाद, इनडाइजेशन, पेट खराब, स्ट्रेस, सिकनेस, ओके। नाउ ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ना गोल्डफिश के लिए भी लागू है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्प के लिए था गोल्डफिश के लिए नहीं है, दोनों कार्प और गोल्डफिश सेम टू सेम है, सिस्टम सेम है, डीएनए सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट, सिर्फ दिखता अलग है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, याद है। नाउ ये जो वायरस है मेरे हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से ये माना जाता है कि ऑफकोर्स इंटरनेशनली आया मूवमेंट के वजह से, ओके, एंड आज के डेट में ऑलमोस्ट 90% कार्प फिश में ये वायरस है, बिकॉज वो डीएनए को इफेक्ट करता है, ऑलरेडी है। हाँ वो दिखता नहीं है बिकॉज वो फिश इम्यून हो सकता है, एंड जो फिश का इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, इसलिए वो इफेक्ट नहीं करता है, बट वो फिश के वजह से दूसरा फिश जो वीक है, जो आपके टैंक में है, जिसका पानी ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, स्ट्रेस में ज्यादा है, वो इफेक्ट हो सकता है। कोरोना जैसा ही है बॉस, मैं इम्यून था, इम्यून हूं, बट मैं दूसरे को इफेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज वो बंदा वीक है
और उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। सिंपल, बहुत इजी है ये अंडरस्टैंड करना। ओके, सो ये इश्यू है। नाउ वायरस एक तरफ, मैंने ऑलरेडी समझाया कि गोल्डफिश हो या कार्प हो, वायरस अगर ऑलरेडी है तो उसको मेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट है स्लीपिंग सिकनेस, या कोने में जाके बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, उल्टा बैठ जाना। सेकेंडरी डिजीजेस मैंने ऑलरेडी बताया, पॉप आए, क्लाउडी आए, स्किन लीजन्स, गिल पेल हो जाना, खाना नहीं खाना, वगैरह 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 वगैरह। ओके, ये सब सेकेंडरी बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वायरस। नाउ आपको जितने भी वीडियोज है YouTube में ये सिखाते हैं कि ये बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन है, तो आपको बैक्टीरियल रेमेडी एंड फंगल रेमेडी के लिए मेडिसिन देते हैं, बिकॉज वो सेकेंडरी इंफेक्शन के लिए ट्रीटिंग है। प्राइमरी इंफेक्शन के लिए ट्रीटमेंट क्या है बॉस? अगर वैक्सीन लेते हो तो प्राइमरी इंफेक्शन को हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने को हेल्प करता है, तब जाके सेकेंडरी इंफेक्शन नहीं होगा, राइट? सो नाउ आपका फिश बीमार है, आपने ऑब्जर्व किया, वो कोने में जाके बैठ गया, उसका गिल्स जब वीक हो जाता है तो वो फ्लेक होता है, मतलब कटता है और पानी में फ्लोट होता है, दूसरे फिश उसको खाते हैं। नाउ अगर कोई भी फिश बीमार है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि बाकी फिश आके उसको स्किन को ऐसा कुछ चबाते हैं या कुछ करते हैं, नेचुरल है वो, तो उसके वजह से भी वायरस स्प्रेड होता है। ओके, नाउ हमारे घरों में एक्वेरियम के अंदर कार्प के साथ गोल्डफिश रखते हैं, वो तो सेम स्पीशीज हो गया, उसके साथ शार्क रखते हैं, ऑस्कर रखते हैं, और कभी कभी फ्लारॉन वगैरह मिक्स हो जाता है, अरवाना, ये सब रखते हैं, एंड ये डिजीज बाकी स्पीशीज को भी अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेम इश्यू। अगर एक फिश बीमार है तो बाकी फिश भी बीमार होने वाला है, तो ये आपके ऊपर है कि आप करेक्ट जगह से करेक्ट क्वालिटी का मछली खरीदें और आप अपने घर में उसको अच्छे से रखें, राइट? एंड इंपॉर्टेंटली, अगर कोई लाइस या फ्लूक्स ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो देन और भी जल्दी स्प्रेड होता है, बिकॉज वो जो कीड़ा है, पैरासाइट है, वो एक फिश से दूसरे फिश को जंप करता है, ठीक है? सो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आप पैरासिडॉल या दूसरे कुछ मेडिसिन है वगैरह वो यूज करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप एंटीफंगल यूज करो, प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। अगेन सेम इश्यू, प्राइमरी प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। नाउ प्राइमरी डिजीज को सॉल्व करने के लिए आपको फिश का इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल, सेम कोरोना टाइप ही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना भगाओ। ओके, करेक्ट, राइट? ठीक है, तो इम्यूनिटी फिश का कैसे बढ़ाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ फिश अगर हेल्थी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फिश स्ट्रांग है, तो आपका फिश हैप्पी होगा, हेल्थी होगा, आप हैप्पी होंगे। नाउ ये मेरे को बताने का कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, इतने सारे वीडियोस बनाया मैंने, इतने सारे वीडियोस की फिश को हेल्थी कैसे रखे। बट फिर भी जो लोग मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं एंड जो रेगुलरली देखते भी हैं, आप सबके लिए मैं रिपीट कर देता हूं, पानी साफ रखो। आप फिश कीपिंग हॉबी में नहीं हो, पानी साफ रखने के हॉबी में हो। दूसरा, ओके, खाना अच्छा दो भाई, प्लीज खाना अच्छा दो, ऐसा कोई भी पैलेट वेलेट मत खिलाओ। समझो कि एक कार्प मछली क्या खा सकता है, समझो कि एक गोल्डफिश मछली क्या खा सकता है, ठीक है? कुकुम्बर, कैरेट, पीज, वटाना, ये सब हेल्थी चीजें हैं गोल्डफिश और कार्प के लिए। ओके, इनको ज्यादा हाई प्रोटीन जरूरत नहीं है। स्पिरुलिना, स्पिनच, लेटिस, ये सब आप घर में बना के खिला सकते हो। मैंने वीडियोस बनाए हैं होममेड फिश फूड फॉर गोल्डफिश करके, वो कार्प के लिए भी लागू है। ओके, एंड मेडिकेशन प्लीज, भगवान के लिए आलतू फालतू मेडिकेशन विदाउट रीजन मत डालो, मत डालो।
इंसानों का मेडिसिन फिश पे काम नहीं करता है, टेट्रासाइक्लिन मेट्रोजिल नहीं काम करता है, क्यों? अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है? हम इतने साल से क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको जरूर, बट बैक टू द पॉइंट, अननेसेसरी ब्लू मेडिसिन, अननेसेसरी ग्रीन मेडिसिन ये सब मत डालो। मेथिलीन ब्लू एंटीफंगल है, मेलाचाइट ग्रीन या ग्रीन मेडिसिन एक्चुअली एंटीवायरल है, बट यहां पे क्योर नहीं होता है बिकॉज वो डिजीज ऑलरेडी है, डीएनए में है। आपको सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाना है और वो होता है क्लीन साफ एनवायरमेंट, स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट। छोटे टैंक में बड़ा फिश बहुत स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, छोटे टैंक बड़ा फिश पावर हेड और भी प्रॉब्लम है, ठीक है? गुड फिल्ट्रेशन, क्लीन वाटर, गुड बायोमीडिया, अच्छा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन, ओके, लो बायोलोड, अच्छा बड़ा टैंक दो, पॉन्ड में रखो, लॉट्स ऑफ वेरिएशन, अच्छा एयर पंप यूज करो, पानी को कॉन्स्टेंटली फिल्टर होना चाहिए पानी, एंड मैजिक मेडिसिन क्या है सुनो, नमक, सॉल्ट रेगुलरली यूज करो, ये अच्छा है फिश के लिए, ठीक है? ओवरडोज करने का जरूरत नहीं है, एंड इंपॉर्टेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखो। कोई भी इंसान हो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन है, वातावरण अच्छा है, तो हेल्थी नेचुरली हो जाता है। ये सिंपल बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये वायरस जो कोई कार्प एंड गोल्डफिश में है, जो कार्प एडिमा वायरस बोलते हैं, ओके, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ये है, रहेगा। आपको इसके इर्द गिर्द काम करना है एंड उसको पनपने नहीं देना है। ऑफ कोर्स कार्प के मुंह में मास्क नहीं डाल सकते, बट इम्यूनिटी बढ़ाना आपके हाथ में है। अगेन, साफ पानी, क्लीन डाइजेशन, गुड फूड, स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट, ये सब के साथ पानी का टेम्परेचर करेक्ट होना जरूरी है। नो, गोल्डफिश और कार्प कोल्ड वाटर फिश है, बट हमारे यहां बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड डिफरेंट लोकेशंस, वो एवोल्यूशन का चेंजेस, उनको ज्यादा थोड़ा बहुत गर्म पानी लगता है, ये सब डिटेल मैंने गोल्डफिश के वीडियोस में बताया, आप देख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इतना सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया है, मेरा एनर्जी और ये सब गया है, और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो है कि आप न्यूट्रो प्लस यूज करें आपके खाने में, ये वायरस नहीं निकालेगा, पेट साफ रखेगा, वायरस कभी नहीं निकालेगा, लेकिन फिश का स्विम ब्लैडर डिजीज, कोई भी इंटरनल इंफेक्शन, उसको हेल्थी रखेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और फिश इम्यूनिटी अगर फिश का बढ़ जाता है तो फिश अपने आप वायरस को फाइट करेगा, सिर्फ ये मदद है, वैक्सीन समझो। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से कोई फिश स्लीपिंग सिकनेस या गोल्ड फिश स्लीपिंग सिकनेस के बारे में थोड़ा जानकारी मिला, आप समझे कि आप क्या कर सकते हो या क्या गलत कर रहे हो और क्या सही करना चाहिए। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबाखैर एंड सत श्री अकाल। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन मेडिसिन, मेट्रोजिल, टेट्रासाइक्लिन या दूसरा भी, क्यों फिश के लिए काम नहीं करता है, एंड ये मेडिसिन माना जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट फिश डेथ का रीजन है, क्यों? आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा बहुत जल्दी, ठीक है? मिलते हैं ना, चलो सब्सक्राइब जरूर करो, अरे दोस्तों से सब्सक्राइब करो, पैसा नहीं लगता है, चलो बाय।